सो जैसे आप क्लास टेंथ के बाद 11th या 12th में कॉमर्स में प्रवेश लेते हैं, ठीक है, इसके बाद आपका एक ड्रीम होता है। जब अपन कॉमर्स ले रहे हैं तो अपन को क्या बनना होता है, बैंकिंग में जाना है, सीए बनना है, ठीक है, किस फील्ड में जाना है, बिजनेस फील्ड में जाना है। अब एक सपना होता कि ये सारी चीज़ें तो करनी है, लेकिन उन सब चीज़ों को करने के लिए अपन को 11th और 12th में अच्छा स्कोर करना बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। अब अच्छा स्कोर अपन कैसे करेंगे, जब किसी भी सब्जेक्ट्स को पढ़ने की आपको अपन को स्ट्रैटेजी पता होनी चाहिए, किन टॉपिक्स पर अपन को क्या ध्यान देना है, किस तरीके से आपको पढ़ाई करनी है, क्या टिप्स होनी चाहिए, इन सारी बातों पर अपन की अच्छी पकड़ होनी चाहिए, ठीक है। आज के इस वीडियो में वही बात क्लियर कराऊंगा यार। आप अगर 12th क्लास से हो, 11th क्लास से हो, ठीक है, कॉमर्स सब्जेक्ट है आपका, तो अब आपके पास सब्जेक्ट्स होगी इकोनॉमिक्स, बिजनेस स्टडीज, अकाउंटेंसी, इन्फॉर्मेटिक प्रैक्टिस, फिजिकल एजुकेशन और जितने भी आपके सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है, इन सभी सब्जेक्ट्स से आप कैसे तैयारी करोगे, क्या स्ट्रेटजी आपको फॉलो करनी है, किन किन बातों को अगर आपको अगर याद ध्यान रख के अगर पढ़ाई करते हो तो डेफिनेटली बोल सकता हूँ डंके की चोट पे अगर जो बातें बता रहा हूँ उनको अगर आप फॉलो करोगे तो आप 100% बहुत ही अच्छा स्कोर करोगे अपने एग्जाम में यार, ठीक है। ये एक बहुत ही रिसर्च के बाद, मैंने बहुत सारी चीज़ों से रिसर्च करने के बाद ये आपके लिए टाइम टेबल या फिर बोले स्ट्रेटजी वीडियो तैयार किया है। मैंने एक पिछले वीडियो में आर्ट्स के लिए वीडियो डाला था, इसी पर आपने जब कमेंट किया तो आपके लिए भी ये वीडियो आपकी खिदमत पर पेश है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम प्रदुम्र, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सरदार जी एजुकेशन में। आज के इस वीडियो में अपन दो पॉइंट्स पर बात करने वाले होंगे यार, ठीक है। सबसे पहले आपका स्टडी प्लान हो जाएगा, ठीक है, सब्जेक्ट वाइज स्टडी कैसे करना है। दूसरी बात आपके लिए टाइम टेबल, स्ट्रेटजी, टिप्स, ठीक है, इन सारी बातों पर अपन बात करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला पॉइंट हमारा सब्जेक्ट वाइज स्टडी, जिसको अपन देख लें सब्जेक्ट वाइज स्टडी कि किस सब्जेक्ट में अपन को कैसे पढ़ाई करनी है, ठीक है, चाहे वो अकाउंटेंसी हो, बिजनेस स्टडी हो, इकोनॉमिक्स हो, हिंदी, इंग्लिश, इन्फॉर्मेटिव प्रैक्टिस, ठीक है, जो भी आपका सब्जेक्ट है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहला अपन का सब्जेक्ट होता अकाउंटेंसी, ठीक है। अकाउंटेंसी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें प्रैक्टिस की जरूरत हो, ठीक है, जरूरत होती है, ठीक है। एक प्रैक्टिस सब्जेक्ट होता है जिसमें आपको गिव मोर टाइम, मतलब ज्यादा टाइम आपको देना पड़ेगा, ठीक है, ज्यादा टाइम के साथ साथ ज्यादा प्रैक्टिस भी देनी पड़ेगी, ठीक है। अब इसमें पार्टनरशिप अकाउंटेंसी, कंपनी अकाउंट्स, ठीक है, इन सारी चीजों पर आपको फुल कॉन्सेप्ट में अच्छी कमांड होनी चाहिए, ठीक है। अब अगर बात करें फाइनेंशियल स्टेटमेंट की, ठीक है, जो कि ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, ठीक है, उसमें आपको रेशियो वगैरह में आपकी प्रैक्टिस अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। और आपको जितना भी थ्योरिकल पार्ट है इसको आपको अच्छे से रीड करना है, और जो भी आपका हॉट पार्ट है, इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, उनको अंडरलाइन करना है और उनको नोट करना है, उन चीजों को आपको याद रखना है, ठीक है। और एक चीज और इसमें नेक्स्ट पॉइंट आपके लिए, लास्ट पॉइंट अकाउंटेंसी में ये है कि जितना भी आप पढ़ाई कर रहे हो ना, पूरा कॉन्सेप्ट बेस पर पूरी रिटेन खुद की नोट होनी चाहिए, ठीक है, ताकि ये चीज़ आपको कब मदद करेगी यार, जब आप एग्जाम देने जाओगे, ठीक है, उस टाइम पे आपको रिवीजन के टाइम पे यही नोट्स हेल्प करने वाली है, ठीक है। देखो कुछ लोग, कुछ बच्चे सोचते हैं कि अगर क्या करेंगे यार, अपन ऑनलाइन जो भी यूट्यूब पर अपन वीडियो देखते हैं, स्ट्रेटजी वाली वीडियो देख लेंगे एक एग्जाम के एक दिन पहले, ठीक है, इससे क्लियर नहीं होगा। अब देखो मान के चलो कल आपका एग्जाम है, तो आज आप क्या करोगे, जल्दी जल्दी पूरा हाईलाइटेड चीजें देखोगे ना, ऊपर ऊपर से देखोगे, ठीक है, तो इसलिए यही नोट्स आपके काम आएंगी। तो जितना भी आप पढ़ो उसकी रिटेन नोट्स जरूर बनाओ, ठीक है। दूसरा सब्जेक्ट हमारे पास है बिजनेस स्टडी, ठीक है। बिजनेस स्टडी, इसका नाम सुनते ही आपको लगता होगा यार थोड़ी बोरिंग है ना, लिटिल बोरिंग है, ठीक है, क्योंकि ये थ्योरिकल सब्जेक्ट है, सो ऑब्वियस सी बात है ऐसा लग सकता है, लेकिन इसको भी पढ़ने के लिए आपको कुछ स्ट्रैटेजी फॉलो करनी है, कुछ टिप्स फॉलो करनी है, जैसे कि मेक योर ओन नोट्स, ठीक है, खुद की रिटेन नोट्स बनाओ। रिटेन नोट्स के साथ साथ आपको प्रैक्टिसिंग बहुत जरूरी है, ठीक है, प्रैक्टिस बाय रीडिंग एंड राइटिंग। अब जो भी क्वेश्चन के आंसर आप याद करते हो, ठीक है, मान लो जो भी टॉपिक है, फिर जो भी पॉइंट आप याद कर रहे हो ना, उसकी की पॉइंट जो होते हैं, हाईलाइटेड पॉइंट्स होते हैं, मेन पॉइंट होते हैं, उनको लिखो और प्रैक्टिस के दौरान उनको नोट्स बनाते हुए इनको याद करो, ठीक है। इसके बाद जितनी भी आपकी डेफिनेशंस है, ठीक है, बिजनेस स्टडी में जिस भी टॉपिक पर जितनी डेफिनेशंस हैं, सारी डेफिनेशन को अच्छे से समझो, ठीक है, और उन डेफिनेशन को रिटेन तरीके से प्रैक्टिस करो, ठीक है। और इसके बाद आपको केस स्टडीज पर, जितने भी आपके केस स्टडीज है उन पर प्रैक्टिस करनी है, और ये आपको आना चाहिए कि केस स्टडी पर प्रैक्टिस कैसे करनी है, ठीक है, ये चीज़ें आपको आनी चाहिए, आपको स्कूल में वैसे भी सिखाया जाता है, ठीक है। अब आपको पता है कि थ्योरिकल सब्जेक्ट है तो इसमें शॉर्ट नोट्स बहुत काम आने वाले हैं, ठीक है, तो जितनी भी आपकी इंपॉर्टेंट और स्मॉल थिंग्स हैं, ठीक है, स्मॉल पॉइंट्स हैं, उन सारी चीज़ों की शॉर्ट नोट्स बना लो, ठीक है, जो कि आपको रिविजन के लिए बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाली है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा सब्जेक्ट है इकोनॉमिक्स, ठीक है।
अब इकोनॉमिक्स में हमारे पास दो पार्ट होते हैं, एक होता माइक्रो एक होता मैक्रो, ठीक है। तो माइक्रो पार्ट थोड़ी से टफ होता है, ठीक है, इसको आपको कंसेप्चुअल स्टडी करनी पड़ेगी, ठीक है, थोड़ी हल्का क्या होता है थ्योरिकल होता है, ठीक है। अब इसमें न्यूमेरिकल जैसे कि अगर बात करें तो डायग्राम्स वगैरह हो गए, ठीक है, ग्राफ वगैरह हो गई, ठीक है, इन सारी चीज़ों पर अच्छी पकड़ होनी चाहिए। अब मान के चलो एग्जाम में आपसे एक नंबर का भी अगर आपसे डायग्राम पूछ रहा ना यार, एक नंबर के अगर क्वेश्चन है और आपसे डायग्राम या ग्राफ आता है तो बना दो, ठीक है, क्योंकि वो चीज़ आपको कन्फर्म कर देती है कि एग्जाम में मार्क्स नहीं कटेंगे, ठीक है। तो इसलिए डायग्राम वगैरह में अच्छी पकड़ होनी चाहिए, डायग्राम्स वगैरह की बेहतरीन प्रैक्टिस वगैरह कर लेना, ठीक है। अब एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, स्टार वाला पॉइंट मैं आपको बताऊंगा कि आपके जितने भी आपके इकोनॉमिकिस्ट हैं, ठीक है, अर्थशास्त्री हैं, उन सब के डेफिनेशन और उन सब के नाम आपको बेहतरीन आपको याद होनी चाहिए। जो भी टॉपिक है, जिस भी टॉपिक पर जिस अर्थशास्त्री ने जो भी परिभाषा डेफिनेशन दी है, उसका नाम और प्रॉपर नाम प्रॉपर डेफिनेशन आपको याद रखना बहुत ज़रूरी है। ये आपको प्लस पॉइंट देता है आपके एग्ज़ाम में, एग्ज़ाम की कॉपी को शोभा बढ़ाने में, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें मैक्रो पोर्शन की, तो मैक्रो पोर्शन में न्यूमेरिकल और सम्स वगैरह हम ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, अब कॉन्सेप्ट को समझना है, क्लियर। अब अगर हम बात करें नेक्स्ट सब्जेक्ट हमारा हिंदी इंग्लिश, तो हिंदी इंग्लिश पर वीडियो मैंने बना रखी है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, इस पर ज़्यादा इतनी ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं होती। मेन चीज़ जो होता है कॉमर्स के सब्जेक्ट होते हैं। अब हम फोर्थ सब्जेक्ट की बात करें, इन्फॉर्मेटिक प्रैक्टिस, ठीक है, इन्फॉर्मेटिक प्रैक्टिस जो होता है उसकी, उसमें आपको सबसे ज़्यादा ध्यान देनी है डेफिनेशन, ठीक है, जितनी भी डेफिनेशन है और पूरे कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड करते हुए उनके डेफिनेशन को अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। जितना भी थ्योरी पार्ट है आपको बढ़िया प्रॉपर टाइम से आपको प्रैक्टिस करनी है, और जितने भी आपके एग्जांपल्स आते हैं ना इस सब्जेक्ट में, उन एग्जांपल्स को अच्छे से स्टडी करनी है, ठीक है, एग्जांपल्स आपसे अच्छे से आने चाहिए, ठीक है। अब इसमें जैसे कोडिंग वगैरह होती है, तो इन सारे कोडिंग की अच्छे से प्रैक्टिस करो, जो भी आपके MySQL वगैरह MySQL क्वेरीज जो होती है, इन सब पर अच्छी पकड़ होनी चाहिए। जावा जो कि थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, इसकी इसके कोड्स की प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है, इन सारी चीज़ों पर आप अच्छी पकड़ बना के रखें। अब ये पॉइंट्स हैं जो कि आपको सब्जेक्ट वाइज स्टडी प्लान करने हैं, ठीक है। अब मैं बात करूँगा डेली शेड्यूल की, ठीक है। अब डेली शेड्यूल में सबसे पहले पॉइंट आता है आपको डेली का टाइम टेबल। अब मैं आपको एक बेहतरीन सा टाइम टेबल देता हूँ, ठीक है। सबसे पहला यार, सुबह सुबह उठो 5 बजे, ज़्यादा सुबह उठने की जरूरत नहीं, 5 बजे उठो, ठीक है, बढ़िया फ्रेश हो जाओ और योगा वगैरह करो। देखो योगा करना इसलिए ज़रूरी होता है क्योंकि माइंड फ्रेश होता है, इस टाइम पे आपको केवल आपके एग्जाम पे आपका पूरा फोकस होना चाहिए, ठीक है। तो सुबह सुबह उठो 5 बजे, बढ़िया योगा करो, जो भी है एक्सरसाइज वगैरह। इसके बाद 6 बजे से आप आराम से बैठ जाओ बेहतरीन साइड पर, एकदम मतलब जहाँ शांति हो, ठीक है। 2 घंटे की स्टडी करो 8 बजे तक, ठीक है। इसके बाद आप क्या करो, 15 मिनट का ब्रेक लो, 15 मिनट का हो सके तो ठीक है, अदरवाइज 15 का एक और ले लो, मतलब आधे घंटे का अगर आप ब्रेक ले लेते हो। इसके बाद 8:30 से फिर से आप बैठ जाओ, ठीक है, 8:30 से 10:30 की स्टडी आपने करी, मतलब 2 घंटे यहाँ भी हो, 2-2, 4 घंटे की आपकी स्टडी हो गई इस मॉर्निंग शिफ्ट में, ठीक है। अब देखो यहाँ एक सबसे टर्निंग पॉइंट आता है, अब जब 10:30 तक आपने पढ़ाई करी, अब 30 मिनट का ब्रेक लो या कि फिर 15 मिनट का, ठीक है, हो सके तो 15 मिनट का ब्रेक लो। अब यहाँ आपको ARM फॉलो करना है। ARM क्या है सर, मैं बता रहा हूँ ARM क्या, ARM का मतलब होता है एक्टिव रिकॉल मेथड, ठीक है। जितना आपने 4 घंटे में पढ़ाई करी उसको एक्टिव रिकॉल मेथड के अकॉर्डिंग आपको उसको रिवाइज करो। जैसे एक्टिव रिकॉल मेथड क्या है, अगर अब जैसा कि आपने जो भी कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा, ठीक है, अब उस कॉन्सेप्ट को आप ध्यान करो, बुक वगैरह साइड पे रख दो, नोट्स सामने रखो, अब जो भी आपने पढ़ा उसको रिवाइज करो, माइंड में आंखें बंद करो, जितने भी पॉइंट्स आपने पढ़े उन सबको आपको लिखते जाना बिना देखे, ठीक है, अपने नोट्स में लिखते जाना। ये एक्टिव रिकॉल मेथड बहुत ज़्यादा हेल्प करता है, बहुत से टॉपर स्टूडेंट भी इसे फॉलो करते हैं, ठीक है। तो एक्टिव रिकॉल मेथड भी आप फॉलो करें, क्लियर। अब इसके बाद आप 12 बज के 12 के बाद एक बजे तक 2 बजे तक आप आराम से कुछ जो भी करना है करो, स्कूल का देख लो, कोचिंग का देख लो, जो भी आपसे हो वो चीज़ करो। इसके बाद आराम से आपको 2 बजे फिर से बैठ जाना है, क्योंकि मैं ये मान के चल रहा हूँ कि इस एग्ज़ाम का टाइम है तो आप स्कूल में इतना प्रॉपर टाइम नहीं दे रहे हो, ठीक है, आप घर में ही स्टडी कर रहे हो, तो 2-4 घंटे की स्टडी करो, ठीक है। इसके बाद 4 बजे से आपको 7 बजे तक का पूरा टाइम है, फ्रीली आपको कोचिंग इवनिंग वॉक जो भी करना है सब कुछ कर लो, ठीक है। इसके बाद 8 बजे से 2 घंटे और 10 बजे तक आप आराम से बैठ जाओ पढ़ने, ठीक है। देखो कुल मिलाकर हमने कितने घंटे पढ़ाई कर ली यार, देखो 2-2, 4-2, 6-2, 8 घंटे हमने पढ़ाई कर ली, इतनी काफ़ी है। इतना आप स्टार्टिंग से करो, इसके बाद आप खुद मतलब बढ़ा सकते हो, जो भी आपने दोपहर को टाइम जो तो यहाँ वहाँ वेस्ट किया उसको भी आप यूटिलाइज कर सकते हो, ठीक है। अब जब से आपने 8 घंटे की स्टडी करी, अब 10 बजे के बाद आपको 30 मिनट का फिर ब्रेक लेना है, जो भी आपको डिनर वगैरह करना है वो कर लो। इसके बाद फिर से एक्टिव रिकॉल मेथड का यूज़ करके इसके बाद आपको क्या करना, लास्ट रिवीजन करना बहुत ज़रूरी है। जितना भी आपको पूरा दिन
में आपने पढ़ा, ठीक है, इवनिंग शिफ्ट का, मॉर्निंग शिफ्ट का तो वैसे भी कर लिया एक्टिव रिकॉल मेथड के अनुसार। अब क्या करना है, जितना भी आपने पढ़ा उसको इवनिंग शिफ्ट में आपको एक लुक ले लो और मतलब पूरा एक बार रिवाइज कर लो, और नेक्स्ट डे के लिए टास्क जो भी बनाना है वो चीज़ आप बना के लिख के रख दो कि मुझे कल ये चीज़ पढ़नी है, ठीक है। नेक्स्ट चीज़ आपको एक और पॉइंट है, स्टडी एवरी सब्जेक्ट एवरी डे, हर सब्जेक्ट को डेली पढ़ना। ऐसे नहीं कि कुछ बच्चे क्या करते हैं, एक हफ्ते तक अकाउंटेंसी पढ़ लेते हैं, एक हफ्ते तक इसे पढ़ लेते हैं, चार दिन इसे पढ़ लिया, पांच दिन इसे, ये गलत है। एवरी सब्जेक्ट एवरी डे पढ़ना है, ठीक है, हर सब्जेक्ट डेली, ठीक है। और एक बुक फॉलो करो, 10 बुक फॉलो करने से अच्छा है कि 10 बार एक बुक को पढ़ो तो ज़्यादा सही है, ठीक है। तो एनसीईआरटी बेस्ट ऑप्शन है। इसके बाद रिटर्न प्रैक्टिस करो, रिटर्न प्रैक्टिस जितना करोगे वो आपको एग्जाम के टाइम पे उतना हेल्प करने वाली है, ठीक है। इसके बाद जितने भी आपके पीवाईक्यूज हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है 5 से 6 साल के, 10-12 क्वेश्चन पेपर पूरे सॉल्व कर डालो, ठीक है। इनकी प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है यार, और खुद को एग्जामिनाइज करो, सेल्फ एग्जाम दो करो, मॉडल पेपर और सैंपल पेपर जो भी आपके आते हैं इन सारी चीज़ों की सेल्फ एग्जाम करो। जैसे आप मेन एग्जाम देते हो 3 घंटे का टाइम, उसी तरीके से खुद को 3 घंटे का टाइम दो, खुद को रूम में बंद करो, इसके बाद देखो कितना अपने आप को आंकोगे कि कितना अपन की पढ़ाई चल रही है, ठीक है। और सबसे मोस्ट और स्टार वाला पॉइंट है कि टॉपर स्टूडेंट की आंसर शीट जरूर देखो, ठीक है। मैं वैसे भी आंसर शीट, टॉपर स्टूडेंट की आंसर शीट प्रोवाइड कर रहा हूँ हर सब्जेक्ट की, तो आप कमेंट कर दो कि जिस भी सब्जेक्ट की आपको आंसर शीट देखनी है मैं उस पर वीडियो बना दूंगा, ठीक है। तो टॉपर स्टूडेंट की आंसर शीट देखने से क्या होगा कि आपको आइडिया पता चलेगा कि इस स्टूडेंट ने कैसे पढ़ाई करी है और किस तरीके से अपन को पढ़ाई करी है, किस तरीके से आपको एग्जाम में लिखना है, कॉपी कैसे लिखनी है, ठीक है। तो इन सारी चीज़ों पर आपको अच्छी इन चीज़ों को फॉलो करना है, ठीक है। सो आई होप ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई होगी यार, ठीक है। सब्जेक्ट वाइज स्टडी करना है, डेली शेड्यूल बना को फॉलो करना है, डेली सभी सब्जेक्ट्स पढ़ना है, लास्ट रिवीजन जरूर करना है, और एक बुक फॉलो करना है, ठीक है। इन सारी बातों अगर आप फॉलो करते हो तो डेफिनेटली आपको अच्छे रिजल्ट से आपके बेस्ट से बेस्ट आप अपने एग्जाम में परफॉर्म कर पाओगे, ठीक। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, और जिस भी सब्जेक्ट पर आपको स्ट्रेटजी वीडियो चाहिए कमेंट कर देना, उस पर वीडियो बना दूंगा।